गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बेहद स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे ओनली बाइक लवर्स में। तो आज आपने सामने देख रहे हो आप दोनों स्कूटी एक ही कंपनी के तरफ से आने वाली है। यहाँ पे जो ब्राउन वॉलनट ब्राउन कलर में आप देख पा रहे हैं वो है जुपिटर 110 सीसी वाली और यहाँ पे जो है जुपिटर ZX 125 सीसी वाली। ठीक है, दोनों में सिर्फ 15 सीसी का अंतर है लेकिन काफी ज्यादा इसमें जो चेंजेस आपको मिलने वाले हैं। तो क्या चेंजेस आपको मिलने वाले हैं प्राइस पॉइंट में देख लीजिए, चाहे पावर वगैरह, तो आपको सबको यहाँ पे मिलने वाला डिटेल के साथ। ठीक है, तो बने रहेगा अपने वीडियो के लास्ट एंडिंग तक। तो अपने वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जो 110 सीसी वाले अपने जो जुपिटर उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको यहाँ पे LED में आने वाला हेडलैम्प आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे आपको TVS का लोगो मिल जाएगा इन क्रोम फिनिशिंग, और फिर बाद में यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की जगह रहने वाली है। कुछ आपको ऐसे इंडिकेटर इसमें मिल जाता है जो कि यहाँ पे जो हैलोजन का बल्ब यहाँ पे यूज करा गया है, यहाँ पे कोई भी रेडिंग नहीं है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ना, यहाँ पे पूरा जो पार्ट है ना लोहे में आता है, मेटल बॉडी में, यहाँ पे इसका मर्डर प्रोडक्ट करती है कंपनी। यहाँ पे कुछ इसका रबड़ वगैरह फिनिशिंग मिलेंगे, या फिर इतना सा रिफ्लेक्टर लंबा वाला जो कि नेट में आपको काफी ज्यादा मदद करने वाला है। फिर बाद में यहाँ पे टेलीस्कोप नहीं है, यहाँ पे जो साधारण वाले सस्पेंशन दिए जाते हैं। और कुछ आपको यहाँ पे कंबाइंडिंग ब्रेक सिस्टम आपको मिलेगा, मतलब यहाँ पे एक ब्रेक पे आप यहाँ पे दोनों के दोनों ब्रेक यहाँ पे वर्क करते हैं जो कि अच्छी बात है। फिर आते हैं आपको यहाँ पे टायर साइज भी आपको चेकआउट करो, तो यहाँ पे आप टायर साइज देख सकते हो अच्छी तरह 90-90-12 के टायर आते हैं आगे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो TVS के टायर ही यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है जो कि अच्छी बात है। और कुछ आपको एलॉय वगैरह साइज ऐसा मिलेगा इसका देखने को डिजाइन वगैरह। ठीक है, और यार स्क्रीन पता तो देखिए बात, यहाँ पे वॉलनट ब्राउन कलर ना काफी ज्यादा इसमें जच रहा है, काफी ज्यादा इसको जो है ड्यूरेबल बना रहा है। ठीक है, तो हम जाते हैं अभी जो है 125 सीसी वाली जो जुपिटर है उसके पास। तो यहाँ से आप देख पाओगे यहाँ पे भी सेम वही भी LED का हेडलैम्प मिलता है, नीचे कुछ यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे जो नंबर प्लेट में देखी जाएगा, और यहाँ पे कुछ आपको ऐसा नेट वगैरह फाइबर का मिलेगा, और यहाँ पे सेम वही इंडिकेटर, और यहाँ पे फिर से आपको मेटल बॉडी में यूज करा गया मड़गार्ड मिलेगा जो कि सेम उसमें भी अवेलेबल है, यहाँ पे रबड़ वगैरह, या फिर सेम वही रिफ्लेक्टर, वही सस्पेंशन, वही कंबाइंडिंग ब्रेक सिस्टम आपको इसमें भी अवेलेबल दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप टायर साइज की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दूं तो गाइस इसमें भी ऑलमोस्ट सेम वही साइज के टायर्स आते हैं, 90-90-12 के टायर्स इसमें आते हैं जो कि TVS की तरफ से ही प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, और वही सब कुछ यहाँ पे सिस्टम मिलता है, यहाँ पे कुछ खास आपको बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। फिर बाद में अगर हम यहाँ पे वही फिर से 110 सीसी की जुपिटर की बात करें तो इस साइड से आपको कुछ ऐसा लुक यहाँ पे प्रोवाइड होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टर वगैरह सेम वही चीजें। फिर बाद में हम इसको देखते हैं इस साइड से, तो आप देख पाओगे कि इसमें भी वही सीन है, रिफ्लेक्टर वगैरह सब कुछ डिजाइन सेम है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करे गए। ठीक है, डिजाइन वगैरह सेम वही है। और फिर आपने खास अगर चेंज देखे ना इसमें, तो यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे नजर डालते हो ना, सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिए, मैं इसका भी की ऑन करने जा रहा हूँ, कुछ आपको ऐसा थ्रू मिलने वाला है इसमें। ठीक है, फिर बाद में अगर हम वहीं पे अपनी जुपिटर 110 की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा थ्रू मिलने वाला है इसमें। ठीक है, आप दोनों की मैंने ऑलमोस्ट ऑन कर दी है, तो आपको आगे का लुक दिखा दो सबसे पहले। तो इसमें अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे भी कुछ लाइट जलता हुआ नहीं दिख पा रहा, और इधर भी जो है किधर भी आपको लाइट जलता हुआ नहीं दिख पाएगा। आप जब तक इन दोनों स्कूटी का इंजन ऑन नहीं करोगे ना, तब तक इनका हेडलाइट ऑलमोस्ट बंद रहने वाला है। यहाँ पे सिर्फ आपको पीछे के दोनों स्कूटी के लाइट जलते हुए दिख जाएंगे अच्छी तरह। ठीक है, फिर बाद में अगर आप इसके जो अपने फुट हम जहाँ पे रखते हैं वो जगह देख पाओगे, यहाँ पे दोनों भी सेम है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक मेजर चेंज यहाँ पे कलर्स में दिख पाएगा, यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे थोड़ा ब्राउनिश सा कलर है। ठीक है, ग्रिप वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे डैशबोर्ड अगर आप देख पाओगे, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना सा एडजस्टेबल हुक मिल पाएगा जो कि आपको जुपिटर की 110 जो कि जुपिटर है उसमें भी अवेलेबल दिखेगा। ठीक है, फिर हम हैंडल बार के बटन पर अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पे मिलता है आपको कुछ ऐसा बटन, ये हुआ पास, ये हुआ अपर, ये हुआ डिपर, ये हुआ इंडिकेटर का, ये हुआ हॉर्न का। फिर बाद में आपको सेम वही चीजें आपको इसमें मिलने वाली है, ये हुआ पासिंग का, नीचे दबा दे तो ये हुआ अपर, ये हुआ डिपर, ये हुआ इंडिकेटर का, ये हुआ हॉर्न का। ठीक है, और सेम यहाँ पे जो आपको बटन स्टार्ट किया यहाँ पे इंजन मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे आपको इंजन ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे भी मिलता है, मतलब आप बिना स्विच घुमाए यहाँ पे जो इंजन आप इसका ऑन ऑफ कर सकते हो इधर से ही। ठीक है, जो कि इसमें अच्छी बात है जो कि आपको जुपिटर 125 में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर बाद में इस दोनों में आपको जो साइड देंगे फीचर आपको दोनों में अवेलेबल देंगे। आप इनका इंजन ऑन कर दो, अगर आपका स्टैंड अगर आप नीचे करते हो दोनों स्कूटियां आपको बंद होने वाली। ठीक है, अगर आप दोनों स्कूटियों की स्टैंड अगर नीचे है, अगर आप इंजन ऑन करते हो दोनों के दोनों यहाँ पे ऑन नहीं होने वाले, जो कि अच्छी बात है दोनों में यहाँ पे जो फीचर अवेलेबल है। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे अगर हम इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी बार का ऐसे नजर डाले ना, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख पाएंगे यहाँ पे जो बटन है जिसमें आप इंफॉर्मेशन वगैरह चेंज कर सकते हो, अंदर की इको वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ठीक ठाक इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह LED में डिजिटल में दी गई है,
और कुछ ऐसा यहाँ पे आपको थ्रू मिलने वाला है जो कि सेम आपको उसमें मिलेगा, लेकिन इसमें आपको फीचर थोड़े कम प्रोवाइड मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको कहीं भी जो बटन्स वगैरह अवेलेबल नहीं दिखेंगे जो कि इसमें होने चाहिए थे। मिनिमम यहाँ पे ट्रिप सेट करने का तो यहाँ पे बटन होना चाहिए था जो कि इसमें अवेलेबल आपको नहीं दिखेगा, जो कि इसका माइनस पॉइंट है, इसका प्लस पॉइंट इसमें जो है अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में आपको सेम एड्रेस और फुटरेस्ट मिल जाएंगे दोनों के दोनों स्कूटीज में। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे कि जुपिटर की झेडेक्स की ब्रांडिंग है जो काफी ज्यादा प्रीमियम है, वहीं पे अगर आप जुपिटर वनटेन को देखते हो तो यहाँ पे सिर्फ जुपिटर का आपको नाम दिखेगा। इनक्रोम फिनिशिंग थोड़ा आपको दूर पास से दिखा दूँ कुछ ऐसा आपको थ्रोट इसका मिलने वाला लुक का। और कलर वगैरह मैं बता दूँ ना, ज्यादा कलर उसका मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है वॉलनट ब्राउन। ठीक है, ये भी कुछ कम नहीं है, लेकिन मुझे वो पर्सनल ज्यादा अच्छा लगा है। आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में बता ही दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा यहाँ पे CVTI की ब्रांडिंग मिलेंगी, BSVI, और यहाँ पे कुछ ऐसे आपको प्लेसमेंट मिलने वाली है सिर्फ। ठीक है, कलरिंग वगैरह आप देख सकते हो अच्छी तरह। और पीछे का टायर साइज आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे सेम वही टायर से 1990 12 के टायर इसमें यूज करे गए हैं, तो दोनों के टायर्स में आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाले। दोनों टायर में आपको कोई भी यहाँ पे खास फर्क जो नहीं दिखने वाला, लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रांडिंग देख पाओगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CVTI BSIV यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी वो टेक्नोलॉजी या फिर ब्रांडिंग यहाँ पे नहीं दिखने वाला। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में आपको जो पीछे का लुक कुछ ऐसा मिलने वाला है यहाँ पर, तो दोनों में हैलोजन बल्ब भी यहाँ पे यूज करेगा, उसमें भी आपको वही सेम बल्ब मिलेंगे हैलोजन वाले। ठीक है, और यहाँ पे आपको फ्यूल भरने की जगह यहाँ पे रहने वाली है, और कुछ आपको आपके हाथ को पकड़ने के लिए कुछ ऐसा हैंडल बार आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिखेगा छोटा वाला जो कि आपको यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा, यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह, यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह, यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चेंजेस नहीं करेगा। और यहाँ पे इसका पूरा 125cc का इंजन जुपिटर ZX का। ठीक है, और अगर इससे बात करें तो यह साइड से आपको उसका 125cc का यहाँ पे दिख जाएगा भाई, लुक वाइज ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे कुछ भी आपको ज्यादा डिफरेंस हम जिसे कहते हैं ना, वो आपको यहाँ पे दिखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और प्राइस की बात करें तो भाई मेन यहाँ पे रहते हैं कंपेरिजन में प्राइस, तो अपनी जो जुपिटर है ना वो जाती है 1,03,000 ऑन रोड, और अपनी जो जुपिटर है ना 17 वाली 125cc वाली वो आपको मिलने वाली है 98,000 रुपीज, मतलब आपको 5,000 के डिफरेंस में आपको इन दोनों में इतने थोड़े बहुत ऊपर नीचे फीचर ही मिलने वाले हैं। ठीक है, और कुछ खास बात इन दोनों में आपको नहीं देखने को मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, यहाँ पर आपने जो एक पूरा कंपैरिजन वीडियो यहाँ पे होता है फिनिश। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखेगा तब तक। ठीक है, तो बाय बाय।